तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला। जी हाँ, एक्सेल का सबसे पावरफुल फॉर्मूला वी लुकअप। बट अब वी लुकअप पावरफुल नहीं रहा क्योंकि एक्स लुकअप आ गया है, फिल्टर फॉर्मूले आ गए हैं, तो अब वी लुकअप उतना पावरफुल नहीं रहा। बट टिल 2016 तक वी लुकअप सबसे पावरफुल फॉर्मूला माना जाता था एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले जानते हैं कि वी लुकअप की जरूरत क्यों पड़ती। अब जानिए, वी लुकअप इज द लुकअप मेथड। आप अपने रिजल्ट देखने के लिए, अभी हाल में 10th का रिजल्ट निकला है हमारे बिहार बोर्ड का, तो रिजल्ट देखने के लिए सबने क्या किया, अब वेबसाइट खोला, अपना रोल नंबर डाला और उस रोल नंबर के बिहाफ पे करोड़ों फाइल में, करोड़ों रिकॉर्ड में से उसकी रिकॉर्ड को दिखाया। ऐसे ही बैंक पे आप जाते हैं, बैंक अपना अकाउंट नंबर डालता है, बैंक अकाउंट नंबर अपने सिस्टम पे डालता है और करोड़ों डेटाबेस में से आपकी रिकॉर्ड ढूंढ के दे देता है। इट्स लुकअप मेथड। एक्सेल में क्या यूज होता है, जैसे एक्सेल में मान लीजिए कि मेरे पास से डेटा है और मुझे इसमें से कुछ पर्टिकुलर आईडी की डिटेल्स किसी ने मांगी है। अब क्या है कि अगर वी लुकअप यूज ना करें या लुकअप मेथड का कोई भी फॉर्मूला यूज ना करूं तो क्या करना होगा कि मुझे पहले मान लीजिए 105 को ही हमें यहां पे जाके सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, 105 हमें यहां वैल्यू करना होगा, 105 मिलेगा। फिर इसको यहां से उठा के सिलेक्ट करके कॉपी करके यहां पेस्ट करना होगा, 1x1 या एक साथ सिक्वेंस है तो एक साथ, अदरवाइज 1x1 लिख जाना। अब ये तो चलिए आपके पास 5 या 7 है तो आप इस तरह की कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन हजारों हुआ तो, और यह हमेशा अभी मान लीजिए अभी कॉपी पेस्ट कर लिया आपने और सडनली चेंज हो गया कि भाई 110 है, तो वापस आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं डायनेमिक हुआ और नहीं आपकी स्पीड, आप माने कि आपका स्पीडी हुआ, मतलब फास्ट हुआ क्या। तो इस काम के लिए कि भाई इस यूनिक आईडी के बिहाफ पर मेरे डेटा में से वैल्यू को लुकअप करना है, इस हम इसके लिए वी लुकअप का यूज करेंगे। वी लुकअप लगाने से पहले आप देख लीजिए कि आपके डेटा में यूनिक रिकॉर्ड कौन सा है जिसके बिहाफ पे लेना चाहिए। देखिए, वी लुकअप जब लगाएंगे तो आपके पास डेटा में भी यूनिक होना चाहिए और आपके सीट में भी यूनिक एक नंबर आईडी होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये नहीं कि आप एक ही बार होना चाहिए, मतलब कि एक यूनिक आईडी, जैसे कि कस्टमर आईडी हो गया, एम्प्लॉई आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ऐसी यूनिक जो कि एक 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 आईडी एक ही पर्सन को मिलेगा, दूसरे पर्सन को नहीं मिलेगा, उसको देख लीजिए। तो दोनों तरफ होने चाहिए आपको। दूसरा, आपकी जो यूनिक नंबर है, जो आईडी है, उसकी कॉलन आपके डेटा में सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए। अगर ये कॉलन बीच में हुआ तो वी लुकअप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट का डेटा कॉपी करता है, ठीक है। इसलिए वो हमेशा जहां से आप सेलेक्ट करेंगे उससे आगे के डेटा, आपकी जो यूनिक आईडी है मैच करने वाली, उससे आगे के डेटा को ही शो करेगा, पीछे के डेटा को शो नहीं करेगा, इसका ध्यान आप रखेंगे। अब मैं यहां पे इक्वल वी लुकअप लगाता हूं। वी लुकअप सबसे पहला लुकअप वैल्यू, भाई ढूंढना किसको है। तो हमने बोला कि हमें A2 को ढूंढना है, ठीक है, हमें A2 को ढूंढना है। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हमने यहां पे कॉपी किया। दूसरा आता है टेबल ऐड। टेबल ऐड अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सिलेक्शन आपकी स्टार्टिंग आपकी आईडी से होना चाहिए जो आप मैच करना चाहते हैं, जो लुकअप में मैच होगा।
पहले ही कॉलम, जो भी सिलेक्शन होगी उसकी पहले कॉलम में ही अपने आप को मैच करेगा। ओके, उसके बाद हम यहां पे कॉमा करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो वन एंड टू क्या चाहिए आपको? तो मुझे चाहिए कस्टमर। यहाँ पे की बात हुई कि वन को इसने ढूंढा, उसके पास 10 कॉलम में रिजल्ट आ गए, लेकिन स्प्रेडशीट कहता है कि एक सेल पे एक वैल्यू से ज्यादा, एक सेल की वैल्यू से ज्यादा हम शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें कस्टमर चाहिए, तो वन एंड टू, अब यहाँ पे टू नंबर कॉलर। अब यहाँ पे पूछता है एग्जैक्ट, टू को एग्जैक्ट मैच करता है या उसके नियरेस्ट। हमने बोला फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। हम यहाँ फॉल्स की जगह पे जीरो भी डाल सकते हैं और रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से मुझे इंडस्ट्री के लिए क्या करना होगा, सेम बी लुकअप लगाना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा, लुकअप वैल्यू को अपने डेटा में जाके अपने डेटा को सिलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, वन टू थ्री, तीसरा नंबर कॉलम। और यहाँ पे फॉल्स के जगह पे हम जीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि तो एक्सेल में ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी हमारी आ गई। फिर वापस हम वी लुकअप लगाएंगे, हम लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और हम जाएंगे टेबल एरे। अब इस बार क्या हुआ, रीजन चाहिए, तो वन टू थ्री फोर, हम यहाँ पे फोर दिए, कॉमा जीरो दिए, हमने इसमें कुछ, हाँ यहाँ पे कॉमा हमने मिस कर दिया। अब बोलेंगे सर ये तो एक एक लगाना होता है, इटरेटर हो गया, हम बोर हो जाएंगे इस तरह से लगाएंगे। तो अभी चलो चले, आपको 8-10 कॉलम है, अगर आपको 150-200 कॉलम हुआ तो काफी टाइम लग जाएगा। क्या हम ड्रैग नहीं कर सकते? जी हाँ, ड्रैग तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी छोटी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे फ्रीज किया, ए एल को फ्रीज किया और हम इसको ड्रैग कर दे। हमने ए को फ्रीज किया, टू को नहीं फ्रीज किया, क्योंकि ए को इसलिए फ्रीज किया ताकि हम करेक्ट करें तो ए बी ना बने, और नीचे ड्रैग करें तो टू थ्री बने, इसलिए हमने सिर्फ कॉलम को फ्रीज किया। इसका सेलेक्ट करके हमने इसको राइट कर दिया। अब सब में यूरोप आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने नंबर फोर तो हमारा फिक्स है ना, यहाँ पे आपको करने के बाद नंबर चेंज करना होगा। अब मैं सिक्वेंसली कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि आपके डेटा में सिक्वेंसली होगा, आपको अपने इस सिक्वेंस को मैनेज करना होगा। ओके, यहाँ पे 8, 9। अब यहां ड्रैग करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलम नंबर तो डालना पड़ रहा है। क्या सर, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो इसका, इसके कई सॉल्यूशंस हैं। पहले सॉल्यूशंस है कि आप एक ऊपर रो इंसर्ट कर दें और अपने कॉलम नंबर जो आपके डेटा में है, मतलब यहाँ यहाँ पे जो कॉलम नंबर है इसके अकॉर्डिंग यहाँ सीक्वेंस आप पहले लिख दें और फिर यहाँ पे वी लुकअप लगाएं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे में जाके हमने टेबल को सिलेक्ट किया एंड कॉमा। अब यहाँ पे जो मैनुअली हम टू लिखते थे ना, यहाँ पे कॉमा जीरो, यहाँ मैनुअली जो टू लिखते हैं, A4, A, N क्यों है, क्यों 6 नहीं है इसमें? ओ हाँ हाँ, अब यहाँ पे मैनुअली जो हम टू लिखते थे, इस मैनुअली टू को डिलीट करके हम यहाँ B2 से लिंक कर देंगे, B2 ने B1 से। अब आगे मुझे ड्रैग करना है तो हम जानते हैं A4 का A ड्रैग होगा और A हमारा डेटा रेंज का पूरा ड्रैग होगा, बट B1 का सिर्फ 1 रहेगा। जब मैं नीचे ड्रैग करूँ तो B2 ना हो, क्योंकि फिक्स है हमारा ये, बट आगे ड्रैग करूँ तो B के जगह पे C होना चाहिए। हमने फ्रीज किया और हमने डेटा को ड्रैग कर दिया, आ गया। लेकिन इसके लिए मुझे एक कॉलम रखना पड़ रहा है। हम
आपकी अगर मान लीजिए इसकी डेटा की सीक्वेंस और यहाँ इसकी सीक्वेंस अगर एक जैसा है, तो आपको याद होगा हमने पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने कॉलम का फॉर्मूला बताया था जो कि किसी भी कॉलम का कॉलम नंबर देता है, और यही टू तो हमें चाहिए वी लुकअप में, तो हम क्यों ना वी लुकअप लगाते समय हम टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे और यहां हम जो हम नॉर्मली 2, 3, 4, 5 देते हैं उसके जगह पे हम कॉलम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन कॉमा जीरो। अब आगे हमें ड्रैग करना है तो वही A5 का हम A फ्रीज कर देंगे और ये हमारा डेटा रेंज पूरा फ्रीज होगा और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे हमारा डेटा आ जाएगा। बट याद रखिएगा सिक्वेंस होना चाहिए कि कॉलम नेम इस कोई इसको कनेक्टिविटी नहीं करता है कि MRP यहाँ पे कहाँ है, जी नहीं, बस ये इसका इस कॉलम का नंबर दे देता है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत फर्क है तो हम एक काम कर सकते हैं। मुझसे एक सवाल पूछा गया था 2008 या 2007 में, एक कंपनी है, मैंने इंटरव्यू दे गया था, एक इस कंपनी थी गुड़गांव की, उसने मुझसे सवाल पूछा था कि मुझे वी लुकअप लगाना है, मुझे वी लुकअप लगाना है लेकिन मैं एक एक सेल में नहीं लगाना चाहता, नहीं मैं ड्रैग करना चाहता हूं, ऐसा फॉर्मूला जो कि लगाते एक साथ लग जाए, ऐसा तरीका, जैसे मैं एक ही वी लुकअप से पूरी रिकॉर्ड चाहते, तो मैं लगाने से पहले जहां तक हमें लगाना है वहां तक हमने सिलेक्ट कर लिया, हमने कॉलम के चेक कर लिया और इसके कॉलम को चेक करके हमने सीक्वेंस निकाल ली, कॉलम नंबर निकाल ली और फिर मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ, वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया और डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट में सारे कॉलम नंबर यहाँ पर है 2, 3, 4 अपने न्यूज रखे शोर आ रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डाल दिया और यहाँ पे कॉमा। मतलब जो हम अलग अलग फॉर्मूले लगाते थे उसमें अलग अलग जो हम अपना नंबर देते थे उस नंबर्स को हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसी के अंदर डाल दिया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एंटर प्रेस करना है, 2019 में 2016 में एंटर प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली एरे ले लेता है, बट आप अगर लोअर वर्जन में हैं तो आपको एंटर नहीं कस्टम आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा कि ये एरे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। चलिए मैं एक बार और इस एग्जांपल को बताता हूँ, हम क्या करेंगे कि एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, पहले कॉलम को डिसाइड कर लेंगे एंड फिर हम वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गया, डेटा को सिलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट में सारे कॉलम नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं सिक्वेंसली डाल रहा हूँ, सिक्वेंस नंबर सिक्वेंस से मतलब नहीं है, ये आपके जो एक्चुअल जो आपका कॉलम का सिक्वेंस है, ओ जैसे मान लीजिए कि हम 6 के बाद जो है 3 भी कर सकते हैं अगर हमारे कॉलम की डिमांड हुई तो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीक्वेंस में आपने डाला है तो हम भी सीक्वेंस में डालेंगे, जी नहीं, वो आपके कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे कॉमा जीरो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम एंटर नहीं प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर S7 ओके तो ये एरे सिस्टम समझ में आ गया, किसी को डाउट इस पे? हेलो सर, डाउट इसमें आपको?
यहाँ पे क्या है कि मेरे पास पूरा सीक्वेंस में नहीं है, कम ज्यादा है, और ये मेरा चेंज होते रहता है। जैसे कि अनसिक्वेंस है और दूसरी चीज है कि चेंज है, कभी ईयर है तो कभी इसकी जगह क्वार्टर हो जाएगा, हो सकता है इसकी जगह सेल्स का आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि मेरा एक जो हेडिंग है और हमारा डेटा का हेडिंग है, इसके अकॉर्डिंग वो रीड कर ले और उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा शो कर। तो सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि इस कस्टमर का या प्रोडक्ट का कॉलम नंबर क्या है। तो अगर आपका डेटा सेम है, मतलब कि इस आपका जो स्पेलिंग जो है आपका इसकी हेडिंग की और यहाँ हेडिंग की स्पेलिंग सेम है, अलग अलग नहीं है, तो याद होगा हमने लास्ट क्लास में आपको एक मैच का फॉर्मूला बताया। मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू से हमने यहाँ पे हेडिंग कस्टमर नेम को ले लिया और किसी भी रो एंड कॉलम इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड कॉमा हमने जीरो कर दिया, ये ढूंढ बताता है कि इसका सीक्वेंस नंबर क्या है। अगर हमने कॉलम वाइज यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, कॉलम वाइज सिलेक्ट किया है, वन बाई वन सॉरी रो वाइज, इसका कॉलम नंबर आपको दे देगा। अगर हम टॉप टू बॉटम सिलेक्ट करेंगे तो रो नंबर दे देगा। तो ये दो ही चाहिए। और दूसरी चीज है कि अगर चेंज होगी तो भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नेम हटा के इंडस्ट्री डाल दी तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वी लुकअप में हम इसी को ज्वाइन कर देंगे। लुकअप वैल्यू डेटा में गए, डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम जो नॉर्मली टू लिखेंगे, इस टू के जगह पे ये जो मैच का फॉर्मूला है, इस मैच फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और इसके टू के जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसको आगे ड्रैग करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा, तो हमने इसको फ्रीज कर दिया। तो बी 13 का 13 फ्रीज होगा और ये 1 by 1 फ्रीज होगा और हम इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। ओके क्लियर है सर। अब इसमें प्रॉब्लम और भी है कि अगर मैंने ज्यादा लिख दिया तो इस तरह के एनए के एरर आ जाता है। मुझे इसमें एनए के एरर नहीं, इसमें ब्लैंक करना है या किसी तरह का और रिजल्ट देना है। तो आपको याद होगा कि इसके लिए हमने फॉर्मूला में, लॉजिकल फॉर्मूला में हमने आपके साथ इफ एरर का फॉर्मूला लिया था। तो यहां हम इफ एरर का फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ एरर, और यहाँ पे हम ब्लैंक दे देते हैं, या फिर कोई और टेक्स्ट या कोई और रिजल्ट देना चाहे तो भी आप दे सकते हैं, और फिर इसको हम अपने आगे की तरफ ड्रैग कर। तो जब आपको कोई वैल्यू मिलेगा नहीं तो ब्लैंक आएगा, और वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे भी चेंज होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ यार ईयर के जगह पे हमारा एमआरपी हो जाता है, तो एंटर मारते एमआरपी चेंज हो जाता है। क्लियर है, डाउट सर? हेलो। अब आपको एक मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताना है। जैसे मेरे डेटा में डेट डाला हुआ है सर, तो यहां हमने हमारा डेट डाल दिया, तो डेट डाल दिया तो डेट नंबर में आ गया। तो नंबर में आने के बाद जाहिर सी बात है कि हम डेट का फॉर्मेट कर देंगे, यहां से कर दें या फिर कंट्रोल शिफ्ट हैश शॉर्टकट होता है वो प्रेस कर दिया, दिख गया। अब जैसे मैंने बोला कि ये चेंजेबल है, फिर वापस ये चेंज हो गया और चेंज होने के बाद ये हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी तो है एमआरपी, एमआरपी हो गया। अब एमआरपी होते ही यहां पे देखिए हमारा डेट का फॉर्मेट दिख गया, दिख गया। तो मैं चाहता हूं कि वापस इसमें नंबर फॉर्मेट हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऊपर डेट हुआ तो अब डेट का फॉर्मेट आ जाए, अगर नंबर हुआ तो नंबर आ जाए। ओके समझ गए। तो इसको आपको करके लाना है कल क्लास में। और दूसरी चीज, जिन लोगों को पिवट टेबल
की क्लास को रिपीट करना है और आज शाम को 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं सेम आईडी से। ठीक तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इससे आगे चीज पढ़ाएंगे और आप लोग इसकी